एनर्जी और इंटेंट दो अलग शब्द पर एक ही मतलब. आज मैं आपको इस वीडियो में आई विल शेयर इवन बीइंग इन अ पॉजिटिव स्पेस ऑफ थॉट्स क्यों यूनिवर्स में आपकी चीज़ें वैसी नहीं होती या क्या रीज़न रहता है आप अच्छे काम करने के बाद भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता. हाई, माई नेम इज़ रिचा एंड आई एम एन एनर्जी अल्केमिस्ट हू हैज़ बीन टेकिंग यू ऑन योर जर्नी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल. एक अच्छा इंसान होने के बाद भी, अच्छे थॉट्स रखने के बाद भी, हर रिलीजियस प्रैक्टिस करने के बाद भी क्यों मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो बाकी लोगों को मिलता है. मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी बातें सोचता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर क्यों, क्या रीज़न रहता है? क्या कभी आपके मन में ये सवाल आता है? आज मैं आपको बिहाइंड द सीन्स ऑफ योर ब्रेन लेके चल रही हूँ इस यात्रा में, ताकि आप समझ पाएँ अपने अंदर की जो आपके अंदर कन्वर्सेशंस चलती हैं वो किस तरह से रहती हैं. 80% ऑफ द टाइम हम जो भी लाइफ में करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम से करते हैं. लेकिन जो हमारी इनर वॉइस है, जो हमारे थॉट्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चलते हैं. हम कई चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, एंड जो यूनिवर्स है हमारे आसपास, इसमें सारी एनर्जी है. यूनिवर्स जो है वो पूरा एनर्जी से बना हुआ है, और हम एज ह्यूमन बीइंग्स पूरे एनर्जी बीइंग्स हैं. हम जब इस ग्रिड में आके फिक्स होते हैं तो हमारी जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है, यानी जो हमारे इंटेंट की फ्रीक्वेंसी है, आपके चाहे थॉट्स कुछ भी रहें, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके जो थॉट्स, जो इनर वॉइस, जो इंटेंट, उसके पीछे जो बारीकी होती है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और ये इंटेंट आपका है कि मैं किसी गरीब को खाना खिला रहा हूँ, इस इंटेंशन से कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं इसको खिला रहा हूँ, आज मैं इसका सामर्थ्य रखता हूँ, तो भी आपने उसमें एक इंटेंट डाल दिया. अगर आप ये सोचते हैं आज मैं भूखा, आज मैं किसी को खाना खिलाऊंगा तो कल मुझे भी कोई खाना खिलाएगा, आपने जैसे ही वो कोई भी इंटेंट उस यूनिवर्स में डाला, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन ये यूनिवर्स की ग्रिड पकड़ लेती है. तो जब भी आप इंटेंट के साथ कोई काम करते हैं वो यूनिवर्स पकड़ता है, और इंटेंट अगर आप डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए कभी भी आप कोई काम करते हैं निस्वार्थ भाव से कीजिए. नेवर एक्सपेक्ट कि आप कुछ कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट आएगा. आप जैसे ही ये चीज़ प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास यूनिवर्स अपने आप चीज़ें अबंडेंस में क्रिएट करने लग जाता है. आप किसी भी बड़े गुरु को, चाहे वाहे गुरु रहे, चाहे जीसस क्राइस्ट रहे, चाहे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी हैं, वो हमेशा यही चीज़ प्रैक्टिस करते हैं कि कभी भी कोई इंटेंट नहीं डालते. और जैसे ही आप कोई इंटेंट नहीं डालते, यूनिवर्स की एनर्जी ग्रिड उसको नहीं कैच करती. सो ऑलवेज 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 खाली पॉजिटिव थॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हर आदमी, अगर आप किसी से भी बात करेंगे, एवरीबडी विल से मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, पर आर यू रियली अ पॉजिटिव मैन? अगर पॉजिटिव हैं तो यूनिवर्स आपके लिए सब चीज़ें अबंडेंस में क्रिएट करेगा. आप देखेंगे जितने भी टॉप नॉट लीडर्स हैं, वो हमेशा कुछ भी करते हैं, दे नेवर हैव एन इंटेंट बिहाइंड इट. दे ओनली डू चैरिटीज़ क्योंकि वो करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, वो कॉज है उनका. इसीलिए वो हमेशा बोलते हैं दिस इज द कॉज ऑफ माई सोल, नॉट द कॉज ऑफ माई बॉडी. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कॉज ऑफ अ सोल एंड कॉज ऑफ अ बॉडी. दैट इज़ वेयर द इंटेंट ऑफ द यूनिवर्स कैचेज योर एनर्जी. तो अगर आप अपनी एनर्जीज को इस तरह से यूज़ करेंगे, आप अपने थॉट्स को इस तरह से यूज़ करेंगे, तो आपके लिए बहुत बहुत चीज़ें नई ओपनिंग्स के साथ खुलेंगी. अगर आपका एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप एनर्जी के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने थॉट क्लियरेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, डू पोस्ट योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स. आई वुड लव टू आंसर देम. टिल देन, कीप लविंग, कीप हीलिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.